हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और मैंने अपना जो पीएचडी है वो एल्जेब्रा में किया है और स्टूडेंट मैं सीएसआई नेट भी क्लियर हूँ और मैं अपने जो वीडियोस हैं वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए अपलोड करता आ रहा हूँ। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये वीडियोज़ कहाँ हैं, तो आप प्लीज़ अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप, मैं यहाँ पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट में जाके सभी टाइप के मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी, तो वहाँ जाके आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरा जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आप जाके कमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट कहीं छोटी मोटी मैंने हो सकता है प्लस माइनस की छोटी मोटी मिस्टेक है तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाके कमेंट कर सकते हैं, सो देट कि मैं उसको रेक्टिफाई करूँ। और मैं जो मेरा पिन कमेंट है वहाँ पे भी मैं उसको डालने वाला हूँ, जिससे कि आपको पता पड़ेगी सर ने इसमें ये मिस्टेक कर दी, सो देट कि उसको आप अवॉइड करें। और स्टूडेंट्स अगर आप सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके अन अकेडमी का ऐप इंस्टॉल करें, देन वहाँ पे आप गजेंद्र पुरोहित सर्च करें, देन आप मुझे वहाँ पे फॉलो करें, सो देट कि मेरे जितने भी कोर्सेज है उन सभी कोर्सेज के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आप मेरे कोर्स को रेट करें, रिव्यू करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो देट कि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूँ इन्फाइनाइट सीरीज़ के अंदर जो टेस्ट पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें रैप टेस्ट हम चेक करेंगे कि रैप टेस्ट होता क्या है और कैसे इससे हम लोग किसी भी सीरीज़ की कन्वर्जेंस को टेस्ट करते हैं। सो स्टूडेंट इससे पहले मेरे जो वीडियोज़ हैं वो मैं यहाँ पे अपलोड कर सका हूँ, जिसके अंदर रेशियो टेस्ट है और डीएलएमएट रेशियो टेस्ट है, देन कोची इंटीग्रल टेस्ट है, कोची रूट टेस्ट है और भी जो मैंने बेसिक कंसेप्ट्स और इसके ऊपर टेस्ट यहाँ पे डाले हैं। सो आप यहाँ आईटीएब आ रहा है यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और मेरे जो और भी वीडियो फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, सो आप लोग वो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स का बहुत सारा रहता है कि सर ये वाला वीडियो कहाँ है या इस टॉपिक पे आपने अपलोड नहीं किया, जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे लिखा था कमेंट में सर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का वीडियो कहाँ है, तो आप ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइए एंड देन वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं, मेरे पुराने जितने भी वीडियोज है वहाँ देख जाएंगे। और स्टूडेंट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, सो दैट जो आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और यहाँ पे अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर सकते हैं। सो देखिए आप लोग यहाँ रैप टेस्ट द सीरीज समेशन यू एन ऑफ पॉजिटिव टर्म इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एंड यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन इज ग्रेटर देन वन। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है, और अगर इसकी वैल्यू लेस देन होती है तो डाइवर्जेंट होती है, और अगर बाई चांस बराबर वन होती है तो टेस्ट फेल होता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर यार इतने टेस्ट पता कैसे पड़ेगा कौन सा टेस्ट कहाँ लगाना है, तो स्टूडेंट मैंने आपको डीएलएमएट रेशियो टेस्ट लगाया था, अगर वो जो रेशियो टेस्ट है अगर वो फेल होता है तो हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। और उसके बाद फिर और भी टेस्ट है जो वहाँ यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, अगर ये टेस्ट भी फेल होता है तो फिर हमारे पास और भी जो टेस्ट आएंगे वो मैं आपको आगे वीडियो अपलोड करूँगा उसमें आपको बताऊँगा। सो देखिए स्टूडेंट इस पे एक क्वेश्चन कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज दिस, है ना, आपको इस सीरीज की कन्वर्जेंस को टेस्ट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि जो रेशियो टेस्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है वो आप प्लीज़ यहाँ आई टेब में आ रहा है यहाँ जाके आप चेक कर लें, क्योंकि रेशियो टेस्ट यहाँ पे बहुत यूज़ आने वाला है, सो आप प्लीज़ वो देख लें सो देट कि आपको दिक्कत नहीं आए। नाउ देखिए हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। तो इस सीरीज के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं यू एन टर्म निकालनी पड़ेगी, इसकी जो एंथ टर्म आएगी वो कितनी आएगी, तो देखिए इसकी जो एंथ टर्म आएगी वो आएगी 3, 6, 9 चलता जाएगा, देन ये आएगी 3n+3, है ना, 3n-3 या 3n+3 ये चेक करने के लिए अपने एक बार देखना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे अगर मैं n की जगह 0 रखूँ मतलब 1 रखूँ तो ये तो हो नहीं रहा है, सो आई थिंक दिस इज 3n-3 आएगा, है ना, देन ये आएगा 7, 10, 13, देन यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आएगी वो यहाँ से कितनी ज़्यादा हो रही, 4 ज़्यादा है ना, हर एक से 4 ज़्यादा है, दिख रहा है, 9, 3 में 4 ऐड करेंगे, 6 में 4 ऐड करेंगे, 9 में 4 ऐड करेंगे, इसका मतलब इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, तो ये जो टर्म आएगी वो आएगी 3n+1 एक्स पावर, यहाँ पे कितना रहा है 1, 2, तो ये n प्लस 1 आएगा यहाँ पे, राइट। सो ये इसकी यहाँ पे क्या आएगी, n टर्म आएगी। नाउ स्टूडेंट देखिए अब इसकी यू एन प्लस 1 टर्म क्या होती है, सो यू एन प्लस 1 क्या होगी, 3, 6, 9, देन ये आएगा आपके पास 3n, है ना, देन आप इसकी n टर्म यहाँ निकालेंगे n प्लस 1 टर्म 13, देन ये आएगा आपके पास 3n+4 एक्स पावर n प्लस 2 आएगा। तो यहाँ पे एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये भी चेक करना है कि यार ये n है तो यहाँ पे n+1 आ रहा, नहीं ये यहाँ पे ये n
माइनस वन आएगा बिकॉज ये वन से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ वन रखेंगे तो जीरो, बिल्कुल सही है, और यहाँ पे ये आएगा एन। सो आप ये इसकी जो एन टर्म है इसको आप बिल्कुल सही से देख ले, क्योंकि एन टर्म निकालने में स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो इसकी जो एन टर्म होगी वो ये होगी। नाउ स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले इसका चेक करेंगे यू एन प्लस वन अपॉन यू एन की वैल्यू चेक करेंगे, है ना। तो मैंने रेशियो टेस्ट बताया था, वो आपको यहाँ पे एक बार चेक करना पड़ेगा, जो रेशियो टेस्ट मैंने आपको कंसेप्ट बताया था वो यहाँ पे पहले अप्लाई करना है। सो स्टूडेंट दिस डिवाइडेड बाई दिस होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो मैंने n प्लस वन टर्म लिखी तो उससे पहले n माइनस वन ये टर्म तो आएगी ही आएगी, है ना, और एक बढ़ जाएगा ना। लाइक जैसे यहाँ पे भी है तो ये आएगा 3n प्लस वन लैन 3n प्लस 4 x पावर n। नाउ अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो जैसे हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट ये टर्म से ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी, कैंसिल, देन ये टर्म और ये टर्म भी क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो यहाँ बचेगा 3n अपॉन 3n प्लस 4 और ये x पावर n अपॉन x पावर n माइनस 1, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x। और स्टूडेंट हम क्या करते हैं, जब भी रेशियो टेस्ट लगाते हैं तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन, दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 3n अपॉन 3n प्लस 4 x। और जैसे हम जब भी n टेंस टू इन्फिनिटी होता था स्टूडेंट हम n को कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और n को कॉमन निकालूंगा तो n से n यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो 3 4 बाय n इंटू x, और जैसे n टेंस टू इन्फिनिटी रखूंगा स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा मेरा 0, और 3 से 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आएगी x। और हम जानते हैं बाय रेशियो टेस्ट सीरीज इज फर्स्ट कन्वर्जेंट इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब अगर इसकी वैल्यू 1 से कम है तो सीरीज यहां पे क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, एंड डाइवर्जेंट इफ x इज ग्रेटर देन 1। पर यहां पे एक और कंसेप्ट होता है कि टेस्ट इज फेल If x is equal to 1, मतलब x is equal to 1 पे इसका जो टेस्ट होता है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो जब टेस्ट फेल होता है तो हम वापस क्या करेंगे, इसमें x की जगह 1 रखेंगे, तो यहाँ पे करेंगे put या let x is equal to 1। तो हमने x is equal to 1 रखा तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, un plus 1 upon un की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे होगा 3n upon 3n plus 4। पर हम जब भी टेस्ट फेल होता है तो हम यहाँ पे रैप टेस्ट लगाते हैं, तो रैप टेस्ट क्या बोलता है कि इसकी वैल्यू, मतलब ये तो ये है, अब इसको उल्टा करेंगे और ये उठा के यहाँ रखेंगे ना, तो मतलब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन, है ना, इंटू एन एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट मैं क्या करूँगा यहाँ पे एन, और इसको इसको उल्टा कर दो, दैट इज ये मतलब वैल्यू आपको निकालनी है 3n अपॉन 4 अपॉन 3, है ना, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन, राइट, है ना। और यहाँ पे आएगा ये लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट, तो मैं इसको यहाँ निकालता हूँ। सो लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट क्या आएगा स्टूडेंट, मैं इसका 3n का एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये आएगा 3n प्लस 4 माइनस 3n अपॉन 3n, देन आप देख रहे हो ये 3n से ये 3n क्या हो गया यहाँ पे, कैंसिल हो गया स्टूडेंट, आपने इसका एलसीएम लिया और यहाँ बाहर n आ रहा है आपके पास। सो ये 3n से ये 3n कैंसिल, और ये n से n ये भी क्या हो रहा है कैंसिल स्टूडेंट, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आई 4/3, तो ये 1 से 4/3 मतलब ये 1 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है ना, दैट इज बाय रैप टेस्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट एट x इज इक्वल टू 1, हेंस सीरीज इज कन्वर्जेंट एट x इज इक्वल टू, एक तो बराबर पे कन्वर्जेंट है और एक लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट है, तो इन दोनों को मर्ज करेंगे तो यह आएगा x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड डाइवर्जेंट एट x इज ग्रेटर देन 1। तो ये इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको ये पता लगाना है कि यहाँ पे कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो टेस्ट लगाएंगे, तो यहाँ पे इसके एन टर्म लिखेंगे, देन इसका एन प्लस वन टर्म लिखेंगे, देन यू एन प्लस वन यू एन प्लस वन अपॉन यू एन की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो आ रही x। फिर हम जानते हैं बाय रेशियो टेस्ट, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो कन्वर्जेंट होता है, जब इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो डाइवर्जेंट होता है, और बराबर पे टेस्ट फेल होता है। अब बराबर पे टेस्ट फेल हो रहा है तो हम क्या करेंगे, जब x इज इक्वल टू 1 उठा के यहाँ रखते हैं
देन ये वाला टेस्ट लगाएंगे हम, तो यहाँ पे हमको यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, तो इसका जस्ट उल्टा रख के यहाँ पे वैल्यू रखनी है, वैल्यू रख के हम सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे लिमिट लगा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आ रही 4/3 विच इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स यहाँ पे रेप टेस्ट है ये सीरीज क्या हो रही है, कन्वर्जेंट हो रही है, मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 और लेस देन 1 दोनों पे यह सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, और जब एक्स की वैल्यू एक से ज्यादा है तो ये क्या है, डाइवर्जेंट। तो स्टूडेंट एक दो क्वेश्चन और मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो स्टडी एक और क्वेश्चन देखिए, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज एक्स स्क्वायर टू स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 4 एक्स पावर 4 प्लस 2 स्क्वायर डॉट 4 स्क्वायर अपॉन 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट 6 इंटू एक्स पावर 6 प्लस, इस तरह से एक सीरीज चल रही है और आपको ये पता लगाना है कि ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो nth टर्म है वो लेंगे, तो इसकी जो n टर्म होगी वो क्या होगी, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर से चलता जाएगा, तो ये आएगा 2n का होल स्क्वायर अपॉन, ये आएगा 3 4 5 6 ऐसे चलता जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ये 2n plus 1 into 2n plus 2 into x power, यहाँ पे ये 2n आ रहा है तो यहाँ पे हम लेंगे इसको 2n, ठीक है। तो ये हमारा क्या आएगा, n term आएगा। अब आपको लगता है कि सर ये n term सही है गलत है हम कैसे चेक करेंगे, तो यार आप n की जगह एक बार 1 रख के देखिए, 1 रखने पर ये वाली टर्म आ रही कि नहीं आ रही है, देन अगर हम 2 रख के देखेंगे तो 2 रखने पर ये टर्म आ रही, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि जो आपने जो टर्म लिखी है वो सही है या गलत है। तो आपके पास ये n term हुई, देन स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी n plus सॉरी दिस इज 2n plus 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 2 आ रहा है तो यहाँ पे 4 आ रहा है, तो मतलब ये ज़्यादा आ रहा है ना, तो आपको इस तरह से चेक करना पड़ेगा। राइट, नाउ देखिए अब स्टूडेंट मतलब n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x स्क्वायर आएगा। नाउ अब क्या करेंगे, यू एन प्लस 1 तो ये आएगा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, देन 2n स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, और देन ये आएगा 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 डॉट 5 डॉट 6, ये आएगा 2n प्लस 1 2n प्लस 2 2n प्लस 3 2n प्लस 4 इंटू x पावर 2n प्लस 4, राइट। नाउ अब क्या करेंगे, हम रेशियो टेस्ट लगाएंगे, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे un की वैल्यू निकालेंगे इसकी, है ना, इसकी वैल्यू चेक करेंगे कि ये वैल्यू कितनी आ रही है ना, तो मतलब हम दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे, मतलब ये डिवाइडेड बाय ये, तो आप देख रहे हो ये टर्म से ये टर्म क्या हो गई, कैंसिल, देन ये टर्म से ये टर्म पूरी क्या हो गई, कैंसिल, मतलब ये वाली टर्म बची, क्या बची भैया, 2n प्लस 2 का 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 3 इंटू 2n प्लस 4, और यहाँ पे ये 2n प्लस 2 से कैसे, तो यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा सिर्फ। नाउ आप यहाँ पे लगा दीजिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मैं सीधा लगा रहा हूँ। स्टूडेंट यहाँ से n कॉमन लेंगे तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से भी n कॉमन और n कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर से n स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल, तो मैं इसकी अगली यहीं लिख देता हूँ n टेंस टू इन्फिनिटिव, तो ये आएगा आपके पास 2 अपॉन 2 बाय n का होल स्क्वायर अपॉन दिस इज 2 अपॉन 3 बाय n 2 प्लस 4 बाय n इंटू एक्स स्क्वायर, और जैसे n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे स्टूडेंट तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और नीचे भी 4, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर आएगी। सो बाय रेप टेस्ट सॉरी बाय रेशियो टेस्ट सीरीज इज फर्स्ट कन्वर्जेंट If x square is less than 1, इसकी अगर वैल्यू x से छोटी है तो वो सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। और अगर आपको रेशियो टेस्ट में कोई दिक्कत है तो स्टूडेंट यहाँ IIT बारह यहाँ जाके आप DLMBT रेशियो टेस्ट जो मैंने इससे वीडियो पहले अपलोड किए हैं तो वो वहाँ चेक कर सकते हैं। नाउ डाइवर्जेंट इफ x square is less than greater than 1 एंड थोड़ा आता है टेस्ट फेल इफ x square is equal to 1। जब ये टेस्ट फेल होता है रेशियो टेस्ट तो हम फिर ये वाला टेस्ट यूज करते हैं, तो हम लेते हैं let x square is equal to 1। जब हम x square is equal to 1 रखेंगे यहाँ पे, तो जैसे मैं x square की वैल्यू 1 रखता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए un plus 1 upon un की जो वैल्यू होती है वो कितनी आती है 2n plus 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2n plus 3 into 2n plus 4। अब स्टूडेंट हमें इसकी वैल्यू निकालने तो क्या करेंगे हम, लिमिट n tends to infinity n un upon un plus 1 minus 1, so limit n tends to infinity then n, यहाँ वैल्यू रखेंगे अपन 2n plus 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2n plus 3 into 2n plus 4 minus 1, और स्टूडेंट इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी लिमिट n tends to infinity
यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 6n स्क्वायर प्लस 8n डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 4, ये वैल्यू आएगी इसकी। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये बचेगी आपके पास। देन स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और जब भी इन्फिनिटी लगाते हैं तो हम n स्क्वायर को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, और n स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 8 बाय n, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल कर दिया, ये आएगा 8 बाय n प्लस 4 बाय n स्क्वायर। तो ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रखेंगे तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो कितनी आएगी, 6 बाय 4 दैट इज ग्रेटर देन 1, आप जानते हो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है। देन सीरीज इज बाय रेप टेस्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट, दैट इज सीरीज इज कन्वर्जेंट एफ, यहां पे एट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पे कन्वर्जेंट है और एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 पे भी क्या है ये कन्वर्जेंट है, दैट इज सीरीज इज कन्वर्जेंट एफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड Divergent f x square is greater than 1। तो स्टूडेंट इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन लूंगा फिर इस टॉपिक को हम फिनिश करेंगे। सो स्टूडेंट एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस, तो आपको यहाँ पे दे रखा है आपको इसका कन्वर्जेंस टेस्ट करना है। तो स्टूडेंट देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो यू एन है वो लेंगे, तो ये आएगा a a प्लस 1 है ना, अप टू a प्लस 2, कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 तक जाएगा क्योंकि एक के बाद स्टार्ट हो रहा है। देन ये आएगा 1.2.3 अप टू कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे ये n माइनस 1 तक जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे n माइनस 1 आएगा या फिर n आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ से 1 स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे ये n आएगा अप टू n जाएगा, राइट। नाउ अब हम चेक करेंगे यू एन प्लस 1 क्या आएगा इसका, a a प्लस 1 a प्लस 2, तो यहाँ पे ये a मतलब इसका जो आएगा n टर्म वो आएगा a प्लस एन माइनस 1 तो आएगा और देन यहाँ पे आएगा a प्लस एन डिवाइडेड बाय ये आएगा 1.2.3 अप टू n और n प्लस 1 आएगा। स्टूडेंट हम क्या करेंगे यहाँ पे un प्लस 1 अपॉन un की वैल्यू निकालेंगे, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये टर्म से ये टर्म पूरी कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ बचेगा a प्लस एन और ये टर्म से ये टर्म पूरी चेंज हो जाएगी तो ये क्या होगा n प्लस 1। और स्टूडेंट हम निकालेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, देन ये आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे आप n कॉमन ले लीजिए तो ये आएगा a बाय n प्लस 1 1 प्लस 1 बाय n और n से n कैंसिल कर दिया और जैसे n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। सो बाय रेशियो टेस्ट, सो रेशियो टेस्ट इज फेल, सो रेशियो टेस्ट इज फेल क्योंकि ये फेल हो गया, बिकॉज वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक से छोटी होनी चाहिए या फिर एक से बड़ी होनी चाहिए, जब भी एक के बराबर आती है तो टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। सो स्टूडेंट यहाँ पे ये टेस्ट फेल हो गया, देन हम क्या करेंगे बाय रैप टेस्ट, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, ए प्लस एन अपॉन एन प्लस 1 आ रही है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे रैप टेस्ट क्या होता है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव n into un upon un plus 1 minus 1, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं तो ये आएगा लिमिट n tends to infinity। स्टूडेंट अपने को इसकी वैल्यू पता है un plus 1 upon un, अपने को इसका उल्टी वैल्यू रखनी है ना, दैट इज un upon un plus 1 रखना, तो इसको उल्टा कर दीजिए आप, उल्टा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे n plus 1 a plus n minus 1, देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो लिमिट n tends to infinity n, मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो n plus 1 minus a minus n अपॉन ए प्लस एन, स्टूडेंट ये एन से ये एन क्या हो गया कैंसिल हो गया, देन हम यहाँ से एन कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे तो ये आएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव, एन कॉमन निकल के कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन एन ए बाय एन प्लस 1, देन ये एन कॉमन निकाला हमने, एक्चुअली इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एन अपॉन 1 माइनस ए अपॉन ए प्लस एन आया, देन हमने एन को कॉमन निकाल के कैंसिल किया तो ये आएगा, देन एन टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे दिए कितना आएगा 0, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आई 1 माइनस ए आई। सो बाय रेप टेस्ट सीरीज इज फर्स्ट कन्वर्जेंट एफ
1 माइनस ए इज ग्रेटर देन, याद है जब इसकी वैल्यू एक से बड़ी होती है तो सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आप क्या करिए, आप इस 1 को उधर लाइए और ए को उधर ले जाइए, तो यहां पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा ए इज लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, है ना। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, ए इज लेस देन 0। एक्चुअली क्या होगा, इस 1 को 1 कैंसिल हो जाएगा और इसका माइनस साइन चेंज करेंगे तो ये साइन उल्टा हो जाएगा, तो ए इज लेस देन 0 पे सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। सेकंड क्या होता है, डाइवर्जेंट इफ क्या होता है, 1 माइनस ए यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, और लेस देन 1 होगा दैट इज यहाँ से क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन 0 पे ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। एंड देन क्या होगा यहाँ पे, इफ ए इज, अब वैसे ए जब इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है ना, क्या होता है यहाँ पे मैं सीधा लिखता हूँ, इफ 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1, जब बराबर होगा तो हम चेक करते हैं क्या हो रहा है। जैसे इसको बराबर करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी, और जैसे ही ए की वैल्यू 0 इस सीरीज में रखोगे आप स्टूडेंट, तो आप ए की वैल्यू 0 रखिए तो 1, देन यहाँ पे आपने ए की वैल्यू 0 ही 0 हो गया, सब 0 हो गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 0 0 0 आ रही, तो आपको पास इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, मतलब ये सीरीज क्या हो रही है, कन्वर्जेंट हो रही है, दैट इज ए इज इक्वल टू 0 पे भी ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। हैंस सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ ए इज लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि बराबर 0 पे भी हो रही है और इस पे भी कन्वर्जेंट हो रही है। एंड डाइवर्जेंट इफ ए इज ग्रेटर देन 0। सो स्टूडेंट ये कंसेप्ट होता है। सो मुझे लगता है आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे स्टूडेंट, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो। और स्टूडेंट मेरे जितने भी वीडियोस यहाँ अपलोड कर रखे हैं उसके सबके मैंने जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है वो लास्ट में आ गई होगी, आप यहाँ जाके मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं। स्टूडेंट अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और मैं आगे और भी वीडियोस आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। मुझे मालूम है कि आपके मार्च और अप्रैल में एग्जाम्स हैं बीएससी और इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं आपको देखते हुए आपके जितने भी सिलेबस हैं उसमें मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। स्टूडेंट का बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, सर आप स्टैटिस्टिक्स और डायनामिक्स पे करिए, कोई स्टूडेंट बोलता है सर प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स पे करिए, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर लीजेंड्री और बेसल पे करिए, बहुत सारी डिमांड्स आ रही है और मैं डिमांड को पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टूडेंट थोड़ा सा समय दीजिए, मैं वन बाय वन आपके जो भी क्वेश्चंस हैं और जो डिमांड है उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और स्टूडेंट अगर आप CSI नेट मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं या IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल की प्ले लिस्ट में जाके अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कर ले और वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ मेरा बहुत अच्छा कंटेंट है वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।